मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय प्लगिंग एंड लेवलिंग। प्लगिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग, लूजनिंग एंड ब्रेकिंग द सॉइल। दिस इज डन बाय प्लग। दिस प्लग, ट्रेडिशनल प्लग, इज ड्रॉन बाय block, and next the advanced form of plugging is known as tractor driven cultivator. This is very efficient mode of plugging, which help save time and effort. So this is very important way of plugging the soil. As you know, the traditional plugging is more inconvenient due to the bullock and human beings. But tractor driven cultivator is more effective. मतलब ये हुआ कि soil को preparation करने के लिए पहले हमें plug से जोतना पड़ता है। जोतने से क्या होता है, तो मिट्टी जो है वह लूजन होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, टर्न हो जाता है। टर्न हो जाने से क्या हो जाता है, तो उसमें पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ती है, रूट जो है सो डीप तक चला जाता है, ग्रो करता है, एयर उसे जो है एयर स्पेस बढ़ जाता है सॉइल में, जिस सॉइल में एयर स्पेस के बढ़ जाने के कारण रूट का ग्रोथ बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए एयर ऑक्सीजन जरूरी है। तो इस तरह से कल्टिवेशन से, इसके प्लगिंग से, सॉइल के टर्न होने से उसमें एयर स्पेस बढ़ जाता है, और एयर स्पेस के बढ़ने से रूट का ग्रोथ बढ़ जाता है। दूसरी बात है कि जब ये सॉइल लूज हो जाता है, तो रूट जो है, प्लांट का जो रूट है वह सॉइल में अंदर तक आसानी से ग्रो कर जाता है, जिससे वह ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले सकता है। प्लगिंग से और एडवांटेज क्या है कि यह सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बढ़ने से उसमें ज्यादा देर तक वाटर होल्ड करता है, और एटोडेमो लूज सॉइल को लूज कर देता है, जिसके कारण प्लांट का जो रूट है वह आसानी से अंदर तक ग्रो करता है। फोर्थ है कि यह इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का। यह है जो उसमें जो बहुत सारे खरपतवार जो उगाते हैं, उस सारे खरपतवार को, वीड्स को रिमूव कर देता है, उसको उल्टा देता है, जिससे अपरूटेड हो जाता है और वह सूख जाता है। इस तरह से यह क्या करता है प्लगिंग, यह मैन्योर को सॉइल में अच्छी तरह से मिक्स कर देता है, और हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, इस सब को वह हेल्प करता है ग्रो करने में, क्योंकि उसे मैक्सिमम ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है, वाटर अवेलेबल हो जाता है ऊपर नीचे हो जाने से, और इस तरह से वह ज्यादा इंक्रीज करता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। और इसके बाद यह जो न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, उसे सरफेस पर ला जाता है, जिससे हमारा क्रॉप जो है उसका रूट रहता है जो वह सरफेस पर ही ग्रो करता रहता है, और वह ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले सके। इस तरह से यह हेल्पफुल हो जाता है। इस तरह से हमें हेल्प ये करना, प्लगिंग करना जो है वह जरूरी रहता है। लेकिन प्लगिंग कर देने के बाद क्या हो जाता है, कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े ढेला हो जाते हैं, बहुत बहुत क्रम्प हो जाते हैं। ये जो क्रम्प्स हैं, यह सीडलिंग को ग्रो करने में रुकावट डालते हैं, और कहीं पर वह गड्ढा हो जाता है प्लगिंग करने से, कहीं पर ढेर हो जाता है मिट्टी का। इस तरह से यदि हम इरिगेशन करेंगे तो उस समय में कहीं पर पानी ज्यादा लग जाएगा, पानी कहीं कम लगेगा, इसलिए हमें लेवलिंग करने की जरूरत होती है। लेवलिंग करने में हम क्या करते हैं, तो हमें वुडन या मेटलिक
लेवलर की आवश्यकता होती है जो इसे अच्छी तरह से उसे तोड़ देता है क्रम को, और क्रम को तोड़ करके उसे लेवलिंग कर देता है, जिससे हमें आसानी मैंने सीड को ग्रो करने में आसानी होती है।